जिला कलेक्ट्रेट के सामने का सीधा दृश्य। कई महीनों से लगातार कामकाज ठप पड़े हुए हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दमनकारी नीतियों के विरुद्ध उदयपुर शहर के सभी किराए व्यवसायी आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए हैं और हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि विवाह समारोह में कम से कम 200 लोगों की अनुमति दी जाए, समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे पिछले 1.5 वर्ष से यह हमारा उद्योग है यह बड़ी विषम परिस्थितियों में झेल रहा है। हम किसी भी प्रकार से सरकार ने कोई रियायत हमको नहीं दी है और न ही हमें कोई आश्वासन हमें मिल रहा है और आज हमें मजबूरन सड़कों पर आकर हमारा विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पूरे राजस्थान में हो रहा है या उदयपुर में हो रहा है? यह पूरे राजस्थान में हो रहा है। कल जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर सभी स्थानों पर हुआ है। आज हम उदयपुर पे लगभग हमारे 20 संगठन हमारे साथ में हैं जो इस व्यवसाय से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप देखें कि लगातार देश में कोविड चल रहा था, महामारी चल रही थी, सभी व्यवसाय जो है वो बंद पड़े थे, शादी समारोह। और आज उसी को लेकर प्रदर्शन सभी के हाथों में धक्के हैं। समय से बैंड से वंचित हैं और हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है और इसी धंधे से हम जुड़े हुए हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से कि हमें पनिशमेंट दी जाए, लगभग 200 आदमी सारा हमारा भी घर गुजार चल जाए और समय की भी थोड़ी लिमिट बढ़ जाए हमारे बैंड की, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, इससे हमारा परिवार का पालन पोषण हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे 2 साल टैलेंटर का काम किया है हमने, ये फंड का काम किया है, बोलो सर, जिससे हमारे गुजरात से बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई काम कर रहे हैं, हमारे किराए नहीं भर पा रहे हैं, हम लोग दुकान से वाले फोन की वजह कर रहे हैं। तो आप देखिए कि उदयपुर के ये बैंड बाजे वाले हमारे कलाकार हैं जो अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी मेहनत मंजिल हासिल करते हैं, लेकिन इस कोविड ने ऐसी महामारी आई है कि इन ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों को भी सब्जी बेचनी पड़ी है, हैं कमठाना काम पे जाना पड़ा है। आपका मन में कैसा महसूस करते जब आपके प्रतिभावान ये काम करते दिखे? सर, ये बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए और हमारे स्टाफ के लिए, जो अच्छे अच्छे कलाकार, इतने प्यारे प्यारे कलाकार जो मतलब अपना की शादी के अंदर चार चांद लगाने वाले लोग, उनकी आज कंडीशन आर्थिक स्थिति इतनी डाउन हो चुकी है कि वो लोग बेचारे मतलब दर बदल ठोकर खा रहे हैं। जिन लोगों ने कभी कंपनियाँ काम नहीं करा, वो कंपनियाँ काम कर रहे हैं, उनकी कंडीशन ये हो गई है कि मतलब अपना जो आदमी उनका 1,500 रुपये 2,000 रुपये कमाने वाला आदमी, वो अभी 300 रुपये के अंदर वो अपना कर्म जरा कैसे करेगा बेटा। उसके बाद साथ साथ हम लोगों की कंडीशन की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है। शादियाँ 2 साल से शादियाँ बिल्कुल कैंसिल होती रह रही है क्या। अब उसके अलावा हमारे गोदामों का किराया कैसे देंगे हम लोग, हमारे स्टाफ को 5 लाख देंगे पैसा। इधर शादी के भी 10 आदमी की परमिशन को आपने दे दी है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपने नहीं देखा कि बारात अभी निकलेगी तो घर से भी निकलेगी, रोड पर भी चलेगी, वाटिका में भी जाएगी। कौन घर मतलब कैसा देगा कि आप डायरेक्टली आप वाटिका में आ जाओ, वहाँ जाकर तोरण लगा दो, वो बैंड की अनुमति नहीं देगा। फिर वो घर खुद मना करेगा कि मुझे बैंड नहीं चाहिए। भाई बैंड इसलिए लगाता आदमी से मतलब चलो ठीक है कि मेरे बच्चे की बारात सब लोग देखे अच्छे से निकले, या बारात बारात बैंड दूल्हे की शान ही बारात क्या, और वही चीज़ अगर बिल्कुल ठंडी पड़ गई तो कैसे क्या काम चलेगा। इससे सरकार से अनुरोध है, क्या निवेदन है बहुत बहुत कलेक्टर साहब के अध्यक्ष से कि हमारे लिए भी कुछ करें, कुछ सुने क्या, वरना अगर 3 महीने बाद हम वापस क्या करेंगे। 3 महीने गैप आ रहा है, तो 19 महीने के साथ वापस 15
आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, EMI कैसे भरें हमारी गाड़ियों की, क्योंकि मतलब कि अभी कंडीशन ही हो गई कि आज मतलब पिछले 5-7 महीनों से ढंग से सीजन नहीं चल रहा, पिछले मार्च से लेकर ये मार्च हो रही है, वापस मार्च से गुस्सा आने वाला है। कंडीशन इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है भाई साहब कि मतलब कि आदमी करेगा काम, आएगा क्या करेगा, उसके अलावा ब्याज अलग देना पड़ रहा है, हर चीज़ का ये करना। ज़्यादा मरेंगे ये सॉरी मतलब कि आर्थिक स्थिति ज़्यादा मरेंगे। कोरोना से तो आदमी वैसे मर रहा है नहीं मर रहा है वो तो चलो ठीक है, अब आप भी देख रहे हो हम भी देख रहे हैं, लेकिन कोरोना की ज़्यादा मार तो मतलब कि ये गरीब लोग झेल रहे हैं, मर जाएंगे लोग। लगातार 2 वर्ष हो गए हैं, 2 वर्ष से सारे काम काज ठप पड़े हैं, ज़्यादातर कम से कम 15 साल पीछे चले गए हम लोग, क्योंकि हमारा लेबर काम का काम हमारा इसी पे चल रहा है। उसका नहीं टेम्पो वाला दो टेम्पो चला लेगा, उसके में इकट्ठे कर लेगा, हमारा तो शादी होगी तो हमारा काम चलेगा, भाई यही नहीं हमारा दूसरा काम। आपके आपके ऊपर लेके देखो, आपकी घर पर शादी होगी जब बहन वालों की जरूरत पड़ेगी। अभी सरकार को आपने क्या सुझाव दिए हैं कि इस तरीके से शादी होनी चाहिए, क्या आपके मेनू सुझाव? सरकार को हम चाहते हैं कि 200 आदमी को परमिशन मिले, शादी करने वालों को तो बिल्कुल अच्छी तरह परमिशन मिले। सरकार ने अभी रेस्टोरेंट वालों को अच्छी से दे दी है कि 60 आदमी 70 आदमी बिठाई खाना खिला सकते हो, अब जब उनको दे सकते हैं आप, जो आदमी सुबह भी मतलब 60 आदमी को बैठ के खाना खिला रहा, शाम को भी 60-70 आदमी को बैठ के खाना खिला रहा, और बारात का सिर्फ 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें भी इतनी नाटक के मतलब कि सिर्फ 25 आदमी में मतलब कि बाराती हमें क्या बुलाएगा, मेहमानों क्या बुलाएगा, बैंड वालों क्या बुलाएगा, उसके अलावा कैटरिंग वाले हैं, साउंड वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए क्या करेगा। उदयपुर बैंड एसोसिएशन के नाम से है, और भी बारात निकालने की परमिशन दी जाए, इसलिए हमारा बैंड बजेगा, बाकी वाटिका में अगर बैंड बजेगा हमारा तो परमिशन दी जाए, सरकार से निवेदन है कि 2 बार परमिशन दी जाए, आर्थिक उससे घर का परिवार नहीं चलता, आर्थिक सरकार से निवेदन है कि हमारा बैंड वालों को बैंड बजाने की परमिशन दी जाए, और बारात रोड में निकालने की परमिशन दी जाए, 200 बाराती और हमारे 10 आदमी बैंड वाले और ट्रोली का परमिशन दी जाए, ये गुंजाइश है। हम ये चाहते हैं 10,000 फीट का हमारा गार्डन है, इसमें 100 आदमी की परमिशन काम कर सकते हैं, आपने जो रोड की बस है उसको फुल कैपेसिटी में चालू करना है, इसके साथ में आपका एरोप्लेन में 200 लोगों की कैपेसिटी में जा रहा है, उसको कैपेसिटी की कल उदयपुर एक वेडिंग डेस्टिनेशन हब है, और यहाँ पे राजस्थान में आपने जो शादियों में 40 लोगों की परमिशन दी है वो हमारे लिए नहीं के बराबर है। हम मुख्यमंत्री जी से सीएम साहब से यही चाहते हैं कि हमारे को जो 40 की परमिशन दी है वो नहीं के बराबर है, इसलिए हमें मिनिमम 200 की परमिशन तो मिलनी ही चाहिए, तभी जाके यहाँ पे टेंट लाइट फ्लावर साउंड इवेंट सभी का गुजर हो पाएगा, अन्यथा आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा हानियाँ परिवार में होगी, और उसको पूरा साइन मुख्यमंत्री और सीएम साहब को उसका देना पड़ेगा। बस पिछले कोविड में तो ये था कि चलो हमने थोड़ा बहुत साइन कर रखा था, कुछ लोगों के पास सेविंग थी, कुछ इधर उधर से करके उन्होंने अपना गुजारा कर लिया, अभी वाले इस वाले कोविड टाइम में ये हो गया कि बहुत सी मानहानियाँ भी हो चुकी है लोगों के अंदर, वाकई में कुछ ऐसा लग रहा है उनको कि भाई फेल रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा जा रहा, दूसरे काम सब हो रहे हैं, सिवाय वेडिंग के उदयपुर में सब काम हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों के काम हो रहे हैं, नेता नगरों के काम हो रहे हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं, शादियों को छोड़ के हर काम हो रहा है, होटल्स ओपन है, होटल का हमको इवेंट नहीं करने के लिए वो बोल रही कि हमको सरकार ने परमिशन 40 की दी है, बल्कि होटल में 100 रूम है तो हमारे 400 में है ऑलरेडी, तो फिर शादियों में कैसे फैल रहा है वो होटल में नहीं फैल रहा है, तो आज सभी को नज़रों को देखते हुए हम एटलीस्ट हमको 200 लोगों की परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम 200 के परमिशन मांगेंगे तो जाके 2 लाख का गुजारा निकलेगा, इसको ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी को इसका पीछे कोई निर्णय लेना चाहिए। कोरोना से तो वैसे ही मर ही रहे हैं, और आर्थिक स्थिति से तो और ज़्यादा मरेंगे, कोरोना से तो चलो कि होगा तो मरेंगे, आर्थिक स्थिति से बिना वैसे ही मर जाएंगे लोग, एटलीस्ट आपको ये करना चाहिए सरकार को कि कोरोना तो फैल ही रहा है, उसको हम ध्यान में रखते हुए पूरा मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, गेस्ट को होटल्स को सबको हम ध्यान में रखते हुए वेडिंग्स करेंगे, एटलीस्ट हमारे बारे में भी इतना कुछ तो सोचा जाए। ये वैसे पूरा राज्य स्तर पर ही है, पर यहाँ पर हमने आज जिला स्तर पर रखा है, क्योंकि हर राज्य में कल जैसे जोधपुर में हुआ था, परसों जयपुर में हुआ था, सब जगह हो रहा है, पूरे राजस्थान में हो रहा है, हम सब जगह एक साथ करना चाह भी रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ फिर हम एक साथ पूरी सब जगह करेंगे, जो वो जो आने वाले एक साथ होगा वो हो सकता है सरकार के लिए बुरा हो या हमारे लिए बुरा हो, लेकिन होगा जरूर। परमिशन दी है 200 लोगों की शादी के लिए,
हमको कुछ नहीं दिया, हमारे साथ हमारे पीछे बहुत जुड़े हुए लोग, हमारे ऑफिस स्टाफ बैंक वाले रहे, बहुत ऐसी जुड़ी हुई है हमारे साथ। हमको सिर्फ हमारे जेल से गुजारे के लिए कुछ चाहिए, बाकी ऐसी कोई हमारी ऐसी ऐसी उम्मीद है ही नहीं है। उसके लिए हमको परमिशन चाहिए शायद। और इसमें ये भी है कि लोग शायद करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार ने सबके हाथ बांध रहे हैं, उसके लिए हमको। जी सर, अध्यक्ष हरीश भट्ट, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भी हमें 200 मेंबर की परमिशन और रात्रि का 10 बजे तक का समय दिया जाए। हमारी जो भी लेबर वर्क वगैरह है सारी आज स्थिति ये हो गई है, 200 मेंबर मिनिमम और मिनिमम मेंबर हम 200 चाहते हैं और मैक्सिमम 400 करने की गुहार कर रहे हैं सरकार से। हमारे जितने भी लेबर वर्क वगैरह या हमारे घर से भी सभी बाल बच्चे वगैरह सभी भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं और सरकार से कई एक बार विनती कर चुके हैं। पहले हमने ज्ञापन दिए उसमें 11 मेंबर की जगह 40 की परमिशन दी, उसमें भी 25 की परमिशन मेहमानों की थी और 10 बैंड वालों की और 5 अन्य की। अब बताएं इस परमिशन से कैसे काम किया जाए और कैसे काम होगा और हमारे दृष्टि जीवन जो सभी से जुड़े हुए हैं सभी लेबर वर्क से कैसे काम करेगा। आज हमारी स्थिति ये है कि भूखों मरने की नौबत है, सरकार हमारी सुने और 200 की परमिशन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 400 की परमिशन करे और रात्रि का समय जो है उस समय को 10 बजे तक करने की कृपा कराएं। धन्यवाद। आज हमारा जो व्यापार है काफ़ी समय से कोरोना की वजह से हम अकेले नहीं हैं, आज एक एक जगह हम वही हैं, उसके साथ 300 से 400 पूरा हुआ है हमारे अकेले के लिए। सरकार से यही अनुरोध करते हैं कम से कम 200 लोगों की परमिशन दी जाए, पूरे कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम खोलो। तो कैसे ये डिसीजन हमने लिया यहाँ तक पहुँचने का? यहाँ तक अगर रेलवे हो सकती है भीड़ भाड़ में धार्मिक स्थल खुल सकते हैं और भी कोई मंच खुल सकते हैं तो हमारे ये शादी समारोह से जुड़े हुए जो कि कम से कम 50 तरह के वेडिंग इसमें जुड़े हुए हैं पूरे शादी वेडिंग में, तो इन सब से आज इन सबको एक मंच इसलिए होना पड़ा कि ये सभी की पुकार है, एक पूरी एक चैन है। शादी वेडिंग जो है शादी समारोह वो पूरी एक चैन है, वो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और इसी को बंद करके सरकार ने जो कोविड जो चल रहा है उस भूखमरी से जो महामारी से जितने लोग नहीं मरे हैं और अगर इस व्यवसाय को नहीं खोला गया तो लोग इस तरह मरेंगे जिस तरह की बीमारी से नहीं मरे थे, और सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए हम इस सिस्टम को खोलेंगे, तो हम उस सिस्टम को फॉलो करते हुए करेंगे, ये हमारा सरकार से वादा है। कम से कम किए जाएं रात को 10 बजे तक शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दे सरकार, और इसी से अगर किसी भी तरह का कोई कोविड प्रोटोकॉल करना है हमको बताएं सरकार के, हम कोविड प्रोटोकॉल की पालना करेंगे, वैक्सीनेशन के साथ मेहमानों को बुलाएंगे। इसी के साथ हमारे सरकार से निवेदन है कि जल्दी जल्दी हमारा व्यापार खोलने की कृपा करें। उदयपुर वाटिका चलो समस्या एक ही मांग है कि 200 लोगों की परमिशन कर दी जाए और जो समय 4 बजे का कर रखा है उसे 10 बजे का करें, ताकि जब 100 लोग 200 लोग शादी के अंदर आएंगे तो हम आगे से भी बुक करेंगे और हमारे पास भी काम आएगा, वरना 2 साल से हम सब बैठे हुए हैं घर में और किसी के पास कोई आजीविका का कोई तरीका नहीं है, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, तो बस ये शांतिप्रिय तरीके से हम लोग ये प्रदर्शन करने आए हैं। ये सभी का दर्द है, लगातार कोविड महामारी में आर्थिक स्थिति से सभी कमज़ोर हुए हैं और आज इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है कि आज जिला कलेक्ट्रेट पे आकर प्रदर्शन करना पड़ा है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना पड़ा है। आखिर समय रहते आखिर अधिकारी क्यों नहीं हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, आखिर क्या वही हमें समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ हमारी ही इंडस्ट्री को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, बाकी सारी इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या हम लोग हिंदुस्तान के मतलब लोग नहीं हैं, हम कौन हैं? तो बस यही दरख्वास्त करने हम लोग आज आए हैं और हमें उम्मीद है कि इस बारे में हमारा सुना जाएगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद।